बच्चों मिजाज कैसे हैं? बढ़िया, खैरियत से हैं? पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं? बढ़िया से पढ़ते रहिए बेटा। फिजिक्स 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 लेक्चर 9। बेटा लेक्चर 8 में मैंने कैपेसिटेंस के बारे में यानी कैपेसिटेंस स्टार्ट किया था। कैपेसिटेंस यानी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। जो कैपेसिटेंस है बच्चों, कैपेसिटेंस जिसे मैंने सी से शो किया, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। एक मैंने स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया था, एक स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। तो इसका बेटा कैपेसिटेंस मैंने, जब एयर या वैक्यूम मौजूद है इसके चारों तरफ, तो इसको मैंने लिखा था 4πε0R। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब अगर मैं इस कंडक्टर को किसी डायलैक्ट्रिक मीडियम में, एक इंसुलेटिंग मीडियम यानी डायलैक्ट्रिक मीडियम, डायलैक्ट्रिक मीडियम मींस इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग मीडियम विच हैज टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर बेटा मैंने इस कैपेसिटिव कंडक्टर को कहां रख दिया? एक डायलैक्ट्रिक मीडियम में रख दिया जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हमने डिस्कस किया था कि भाई किसी डायलैक्ट्रिक मीडियम की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ठीक है, फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने टाइम ज्यादा होती है, और इसका बेटा कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। ठीक है, अब यहां पर इस मीडियम में कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कंडक्टर बिकम्स 4π। अब देखो यहां से मैं एप्सिलॉन क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो बेटा अब यहां पे एप्सिलॉन नॉट यानी अब यहां जो यानी 4π, अब चूंकि मीडियम में रखा है एप्सिलॉन ये रख देंगे, मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन नॉट रख दिया जाएगा, 4π के एप्सिलॉन नॉट आर, ये मीडियम में हो गया। ठीक है बेटा, यहां पर 1 और ये सेकंड रिलेशन, सेकंड रिलेशन में फर्स्ट का डिवाइड कर दें, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करें, cm अपॉन सी नॉट, लेफ्ट हैंड पे cm सेकंड इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का सी नॉट। इधर देखो बहुत सारी चीजें कट रही है, 4π के एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट आर, के अलावा ये सब चीजें कट रही, इट इज इक्वल टू के। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है कि भाई कंडक्टर का कैपेसिटेंस विद डायलैक्ट्रिक मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कंडक्टर इन वैक्यूम is equal to, this ratio is equal to dielectric constant of the medium। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये हमारी बातें पहले हो चुकी है। अब जैसे मैं ये कहूं कि एक सिंगल कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर है, उसके उसका कैपेसिटेंस किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, हमने डिस्कस किया कि भाई इसका शेप साइज, अगर यहां पर रेडियस है तो रेडियस पे देखो डिपेंड कर रहा है, यहां पर स्फेरिकल कंडक्टर, उसका कैपेसिटेंस रेडियस पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, आपने देखा। ठीक है, सराउंडिंग यानी डायलैक्ट्रिक मीडियम में रखने पर उस पर डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा एक चीज पर और डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कि अगर मैं इसके नियर बाय, इसके नजदीक एक चार्ज या अनचार्ज कंडक्टर। ठीक है, बेसिकली अब इसी पे मैं बात करूंगा भाई। आज हम ये देखेंगे कि एक सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस मैं कैसे इंक्रीज करूं। ठीक है, किस तरीके से सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज किया जा सकता है। एक एक चीज बेटा ध्यान करते चलेंगे। जैसे सपोज वी हैव दिस कंडक्टर ए, एक मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर ये है। अब इसका एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है मेरे पास CA is equal to, भाई Q is equal to C into V, तो C is equal to Q upon A, QA upon VA, A पर given charge,
और ए पर वोल्टेज, इनका रेशियो, ठीक है, यानी पोटेंशियल चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए पर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे मैं क्या करता हूं कि एक ठीक है, इसको चार्ज भी यहां पर मेंशन कर लो कि भाई ये प्लस चार्ज ऐसे ही दिखा दो इसमें ये। अब एक अनचार्ज कंडक्टर मैंने यहां रख दिया, एक अनचार्ज कंडक्टर को ले आया मैं, अनचार्ज्ड कंडक्टर, अनचार्ज कंडक्टर, मान लो ये बी है अनचार्ज कंडक्टर। बेटा आप जानते ही हो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को, यानी पॉजिटिव चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर अ लिटिल बिट अट्रैक्ट करेगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए यहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इस तरीके से, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़े हैं, तो राइट पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यानी इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, इंड्यूस हो गया, और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। बेटा ये दोनों ही अपना अपना पोटेंशियल ए पर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं नेगेटिव चार्ज, इसका पोटेंशियल यहां लगेगा, मान लो मैं वी नेगेटिव लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज का अपना पोटेंशियल ये भी ए पर लगेगा, ये वी पॉजिटिव लिख देता हूं। अब आप जानते हैं जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अगर चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस देखो बेटा यहां से, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस अगर मैं ए के एक कंडक्टर के सेंटर से, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस आर माइनस लिख दूं, ठीक है, और अगर पॉजिटिव का देखूं मैं, पॉजिटिव का डिस्टेंस आर पॉजिटिव बड़ा है, ये डिस्टेंस बड़ा है बेटा, आर पॉजिटिव डिस्टेंस क्या है, आर नेगेटिव से बड़ा है, यानी नेगेटिव चार्ज इज मोर क्लोजर टू ए कंडक्टर देन किससे, पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले, ए नेगेटिव चार्ज जो है ए के ज्यादा नजदीक है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा नजदीक है तो आर नेगेटिव, ठीक है, आर पॉजिटिव के मुकाबले छोटा हो गया। तो बेटा अब यहां पे पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल कम, ठीक है, तो जब भाई किसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, किसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया, डिस्टेंस किसका कम है, आर नेगेटिव का, तो ये नेगेटिव वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा पॉजिटिव पोटेंशियल के मुकाबले, यानी नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा असर करेगा, ज्यादा अफेक्ट करेगा इसके पोटेंशियल को। नेगेटिव का मतलब है कि ए के पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब है ए के पोटेंशियल को बढ़ा देगा, तो बढ़ाने वाला फैक्टर वी पॉजिटिव कम है, ये कम है बेटा बढ़ाने वाला फैक्टर, और घटाने वाला फैक्टर ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ठीक है। तो यानी ओवरऑल ए के पोटेंशियल पे क्या असर पड़ा, ए के पोटेंशियल पे क्या असर पड़ा कि भाई घटाने वाला वी नेगेटिव ज्यादा है, तो ए का पोटेंशियल फाइनली क्या हो गया, ए का पोटेंशियल घट गया। बेटा जैसे ही ए का पोटेंशियल घटेगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, सी ए विल इंक्रीज। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि भाई अगर मैं कोई नियर बाय, यानी इसके नजदीक एक अनचार्ज कंडक्टर रखता हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑन ए इंड्यूसेस नेगेटिव, एक साइड पर नेगेटिव और दूसरी साइड पर, दूर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। नेगेटिव चार्ज बेटा ए के पोटेंशियल को ज्यादा घटा देगा पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले, तो इसका नतीजा फाइनली ये होगा, कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि ए का पोटेंशियल, ठीक है, घट जाएगा। जब ए का पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस ए का बढ़ जाएगा। अब आपने कहा कि सर इसका पोटेंशियल और कैसे घटा सकते हैं, या ए का कैपेसिटेंस और कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो यहां देखो आपके भाई ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या काम कर रहा है, ए के पोटेंशियल को बढ़ा रहा है। अगर मैं किसी तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दूं, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रॉय कर दूं, तो ए के पोटेंशियल को बढ़ाने वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, जिसका नतीजा क्या होगा, ए का पोटेंशियल और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। सो इट्स कैपेसिटेंस इज इंक्रीज फर्दर मोर, और इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं ये डिस्ट्रॉय कैसे करूं, तो इसका डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक बेटा तार यहां से बांधते हैं वायर, और एक अर्थ से इसको टच कर देते हैं, यानी अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर दिया इसको, अर्थिंग। ये क्या कहलाएगा, अर्थिंग कहलाएगा। मैंने ये पार्ट अर्थिंग कर दिया, ठीक है। जब मैं इसे अर्थ करूंगा, तो अर्थ में ये जान लीजिए बेटा
अर्थ के अंदर बड़ी बढ़िया इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है कि भाई एक तो उसका जीरो पोटेंशियल रहता है, किसी भी हाल में चाहे वॉट एवर चार्ज इज गिवन टू द अर्थ और वॉट एवर चार्ज इज टेकन फ्रॉम द अर्थ, इस पोटेंशियल रिमेन जीरो वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन इस पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन आप जितने दे सकते हो दे सकते हैं, पोटेंशियल विल रिमेन जीरो। इलेक्ट्रॉन जितने निकाल सकते हैं निकाल ले, पोटेंशियल विल रिमेन जीरो। तो बेटा यहां पर अब देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है, यहां दिख रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अर्थ जो है इमीडिएटली अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर कर देगा। अब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय, ऐसे सारे के सारे पॉजिटिव डिस्ट्रॉय हो, अर्थिंग करने से ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया। एक चीज ध्यान रखेंगे, अर्थिंग से ये वाला चार्ज, ये नहीं कि यहां से ये चार्ज यहां से नेगेटिव अंदर फ्लो हो जाए, हम ये सोचेंगे पॉजिटिव खत्म हो गया अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वहां से अर्थ में चले जाए। नो बेटा, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज ऑन ए है उसके जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए के, ठीक है, क्लोज अट्रैक्शन में है, बाउंडेशन में है, इसलिए ये चार्ज बाउंडेड चार्ज या बाउंड चार्ज कहलाता है। बाउंड चार्ज, ये बाउंड चार्ज हो गया, ए के ज्यादा नजदीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है नेगेटिव पर, तो बाउंड चार्ज। जो पॉजिटिव मैंने यहां पे डिस्ट्रॉय किया ड्यू टू अर्थिंग, तो इट इज कॉल्ड फ्री चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या था, फ्री चार्ज, फ्री चार्ज था तभी डिस्ट्रॉय हो गया, फ्री चार्ज था तभी डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो ये फ्री चार्ज हो गया क्योंकि इससे दूर है, ठीक है, और ये बहुत इसके नजदीक है, इसकी फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ फील्ड में है, तो ये अर्थिंग अर्थ में नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो बाउंड चार्ज है वो एज सच रहेगा। अब मैंने क्या किया, अर्थिंग का काम खत्म हो गया, इसको रिमूव कर दिया। जब अर्थिंग को रिमूव कर देंगे बेटा, अब अर्थिंग को यहां से हटा देंगे तो मेरे पास सिचुएशन क्या बनेगी, देखो यहां छोटा करके बनाता हूं मैं, ए ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब बी का मैंने यहां पर क्या आ चुका था, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था, यहां मैंने अर्थिंग किया, अर्थिंग का काम खत्म, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रॉय, अर्थिंग इज रिमूव्ड, इस अर्थिंग को हटा दिया। तो अब ये मेरे पास बचा ऐसा सिस्टम, ये रह गया, अर्थिंग को अब यहां से हटा लेते हैं, अब मेरे पास ये आ गया, यानी अब ये जो है ना भी हटाए कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहने से कोई मैटर नहीं है, ठीक है, लेकिन अर्थिंग का काम खत्म हो चुका है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहां से अगर मैं ऐसे एक कंडक्टर ए ये ले लिया, एक अनचार्ज कंडक्टर बी उसके पास रख देता हूं नियर बाय, तो मैं ये पाता हूं, और उसका अर्थिंग कर देता हूं, तो मैं ये पाता हूं कि ए का पोटेंशियल जो है, ए का पोटेंशियल बहुत ज्यादा घट जाता है, ए का पोटेंशियल बहुत ज्यादा घट जाता है। अब मैं इसको बहुत सारा चार्ज बाहर से सप्लाई कर सकता हूं, इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया बेटा, मोर चार्ज इज गिवन टू दिस कंडक्टर ए, तो इट इज अ वे टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर। तो बेटा अब ये पूरा एक डिवाइस तैयार हो जाता है, यानी अब आपको दो कंडक्टर चाहिए, एक कंडक्टर को अर्थिंग करना है, ठीक है, तो इससे आप एक कंडक्टर का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस एनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो जानते हैं इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है, इट इज कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या है बेसिकली, कि भाई यहां पे दो कंडक्टिंग प्लेटों की जरूरत है, दो प्लेटों की जरूरत है, दो कंडक्टर की जरूरत है मुझे, और एक को सेकंड प्लेट को अर्थ कर देते हैं, ये मैं इसको बेटा फर्स्ट कंडक्टर बोलूंगा और इसको सेकंड बोलूंगा, तो ये कैपेसिटर बन गया मेरे पास। और क्योंकि अब मुझे एक डिवाइस बनानी है, वैसा थोड़ी कि गेंद की तरह ऐसे गोल गोल यहां पर स्पेस भी ज्यादा घेरेंगे, तो अब मैं इन कंडक्टर को कैसे बना लेता हूं, प्लेट के फॉर्म में, प्लेट के शेप में बना लेता हूं। एक कंडक्टर ये हो गया और इसके सामने एक कंडक्टर बी ये रख दिया, और बी की क्या कर दी मैंने, अर्थिंग कर दी, ऐसे कर दी, ठीक है। अब यहां पर जो मैं चार्ज दे रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज ये आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज ये रहा मेरे पास, और अंदर की साइड पे कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो बेटा ये मेरे पास बन गया, इसमें दो कंडक्टर प्लेट के फॉर्म में एक दूसरे के पैरेलल है, इट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीसी, पैरेलल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। और भी बेटा कैपेसिटर होते हैं, जैसी शेप होती है प्लेट की उसी तरीके से नाम रख दिया जाता है,
ठीक है, जैसे यहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, एक स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, ए पहला कंडक्टर ये स्फेरिकल, स्फेरिकल कंडक्टर हॉलो कंडक्टर ले लिया, शेल ले लिया, दूसरा कंडक्टर बी बेटा ये ले लिया कंसेंट्रिक हैविंग सेम सेंटर, और बी को क्या कर दिया अर्ध कर दिया, तो एसपीसी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट इट इज कॉल्ड एसपीसी स्फेरिकल प्लेट कंडक्टर, इसको हम स्फेरिकल प्लेट कंडक्टर बोलते हैं। ऐसे एक तीसरा होता है सीपीसी सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, वहां पर ये सिलेंड्रिकल शेप की ए प्लेट ये हो गई और बी प्लेट ये हो गई, ये अंदर वाली ए और बाहर वाली बी, और इसको क्या कर देते अर्ध कर देते, ये अर्धिंग कर दी गई, ये कहलाता है सीपीसी सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, जो हमारे सिलेबस में रहता है बोर्ड्स में, ठीक है, वो पीपीसी यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये ध्यान रखेंगे कि भाई जैसे मैंने यहां पर इंडिकेट किया एक सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाना है, तो इट इज द बेसिक या प्रिंसिपल, इट इज द बेसिक, यू कैन से द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यानी बोर्ड में सवाल भी आ चुका है बेटा, सीबीएसई में पूछता है, आईसीएसई में पूछता है कि भाई जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका प्रिंसिपल क्या है, या सिंपली कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये तो दो नंबर का सवाल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। वन मार्क क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकंड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट, इसको भी देखो दो तरीके से पूछ रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकंड प्लेट, ठीक है, फिर पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, एक नंबर का सवाल पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थिंग ऑफ सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट की अर्थिंग का फंक्शन क्या है, एस सच बेटा बोर्ड के क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में बच्चों आपको सिर्फ यही बात लिखनी है, यही डायग्राम बनाना है, ए पर पॉजिटिव चार्ज है, एक अनचार्ज कंडक्टर, फिर इंड्यूस चार्ज, नेगेटिव इंड्यूस यहां दिखा दो, पॉजिटिव यहां इंड्यूस दिखा दो, ठीक है। ये बेटा नेगेटिव का पोटेंशियल वी नेगेटिव ये लग रहा है, और इसका डिस्टेंस क्या है सेंटर ऑफ ए से, यानी आर नेगेटिव मान लिया, जो पॉजिटिव इंड्यूस हुआ उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ ए से कितना है आर पॉजिटिव, ठीक है, आर पॉजिटिव बड़ा है आर नेगेटिव के मुकाबले, नेगेटिव चार्ज ए के ज्यादा क्लोजर है इन कंपैरिजन ऑफ बी, तो इन कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल वी पॉजिटिव, नेगेटिव का वी नेगेटिव, तो नेगेटिव वी नेगेटिव का मतलब है कि ए के पोटेंशियल को नेगेटिव चार्ज अपना पोटेंशियल लगा के ए का पोटेंशियल घटाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज अपना पोटेंशियल वी पॉजिटिव ए पर लगाकर ए के पोटेंशियल को बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाने वाला फैक्टर तो कम है, V पॉजिटिव कम है, V नेगेटिव ज्यादा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि भाई A का पोटेंशियल घट जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी बात वर्ड्स में आ जाएगी, पूरा प्रिंसिपल जबरदस्त तरीके से 2 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। बस अब यहां पर यानी हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई उसकी, ठीक है। और फर्दर मैं कह सकता हूं कि भाई जो अगर मैंने कहा कि एक नंबर का सवाल ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकंड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो बेटा सेकंड कंडक्टर का काम क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव इंड्यूस करेगा, सेकंड कंडक्टर जो अनचार्ज प्लेट ली गई है या अनचार्ज कंडक्टर लिया गया है, ठीक है, ए के पोटेंशियल को घटा देगा, ये पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखिए, ए के पोटेंशियल को घटा देगा, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अर्धिंग का फंक्शन क्या होगा, अर्धिंग का बेटा ये पॉजिटिव डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी इससे ए का पोटेंशियल और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, सो द कैपेसिटेंस फर्दर मोर इंक्रीज्ड, ठीक है। एंड टाइप ऑफ कैपेसिटर, जो टाइप ऑफ कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर्स टेकन, अगर पैरेलल प्लेट के शेप में है, आमने सामने रखे पैरेलल प्लेट्स, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, ये कौन सा है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सीपीसी सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। नाउ एक मैं सवाल पूछता हूं, माय क्वेश्चन कि व्हाट इज द कैपेसिटर, या व्हाट इज द कैपेसिटर, हाउ डू यू डिफाइन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर कैसे डिफाइन करोगे, कैपेसिटर कैसे डिफाइन करेंगे, नहीं कैपेसिटर वो डिवाइस है विच इज कंसिस्टेड ऑफ two conducting plates separated by a short distance
एंड विच इज यूज टू होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, दिस डिवाइस इज कॉल्ड या दिस सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो बेटा अगर मैं चाहूं तो कैपेसिटर या इंडिकेट कर सकता हूं कैपेसिटर, यानी एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस, एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड विच होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। इसको बच्चों क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर आ गए, तो टाइप्स कितने हमने इंडिकेट किए? टाइप्स तीन हो गए, पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टू एसपीसी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, एंड सीपीसी सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें दो प्लेट आमने सामने पैरेलल होंगी, है ना, स्फेरिकल, दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल होंगे, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, और सीपीसी सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। ये हो गया बेटा, ठीक है। एक मिनट वीडियो चेक कर ले जरा। ठीक। ना बेटा आप लेते हैं कि पैरेलल प्लेट का, यही हमारा सिलेबस में है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, यानी कि जब वैक्यूम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखा है या एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट की बीच में एयर है, फ्री स्पेस है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ये ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ये 2 मार्क के अंदर आ जाता है। देखो इसमें ये 2 टाइप से सवाल आता है डेरिवेशन में। एक तो डायरेक्ट ये पूछेगा कि एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ड्राइव करिए, या पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर। पार्शियली फिल्ड का मतलब हो गया कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होगा, ड्राइव करना होगा, ठीक है। तो बारी बारी से देखेंगे। तो डेरिवेशन फॉर, ये 2 मार्क का आता है बेटा, डेरिवेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट पीपीसी, डेरिवेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पीपीसी, ठीक है। तो पहले मैं एयर फिल्ड के लिए ड्राइव करूंगा, फिर वही डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का एब्सोल्यूट परमिटिविटी यूज कर दूंगा। तो यानी कि डायलैक्ट्रिक मीडियम भरने पर क्या असर पड़ेगा कैपेसिटर पर, वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहां पे जैसे भाई बनाना तो मुझे ऐसे चाहिए प्लेट्स पूरी, तो इसे ऐसे ना बना के, देखो पहले अभी मैं इसे हटा दूंगा कि दो मेरे पास बेटा ये कैपेसिटर है, दो प्लेट्स ऑफ एरिया ईच, ईच एरिया ए सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी, ठीक है। और सेकंड प्लेट को क्या कर देते हैं, अर्ध कर देते हैं ये। तो ये डायग्राम की जगह हम क्या बनाएंगे कि भाई यहां ऐसे करके ये प्लेट, पहली प्लेट ऐसे बना देंगे, दूसरी प्लेट ऐसे बना देंगे, एंड सेकंड प्लेट को अर्ध ऐसे करके दिखा देंगे। ये हो गया, बीच का डिस्टेंस डी मार्क कर दीजिए, एंड एरिया ए हो गया भाई। इस पर चार्ज कैसा,
पॉजिटिव और ये चार्ज नेगेटिव अंदर की साइड पे, बाहर कोई चार्ज नहीं होगा, बाहर का चार्ज प्लेट का आउटर चार्ज सारा का सारा अर्थिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहां पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 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 तो मैं डायग्राम ये यूज करूंगा, ठीक है। तो अब बेटा यहां पे हम क्या निकालना है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा कैपेसिटर का, C इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देख लो इस चीज को, राइट ज्यादा चला गया, नहीं ठीक आ रहा है। तो बेटा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब चार्ज ऑन कैपेसिटर कौन माना जाएगा, हमेशा दिमाग में बैठा लो, इसे और थोड़ा लेजिबल कर देता हूं। कैपेसिटर, हमेशा दिमाग में बैठा लो बेटा, जो पहली प्लेट है, ठीक है, फर्स्ट प्लेट, उस पर जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर माना जाएगा। ये प्लस क्यू और ये क्या हो गया माइनस क्यू, ये क्या हो गया प्लस क्यू, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर हो गया क्यू, एंड इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट लेट इट बी वी। तो बेटा सबसे पहले मैं यही निकालूंगी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यूज करूंगा, ठीक है। हमने एक बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन लिखा था तो उसी रिलेशन को मैं लिखता हूं, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का इन दो प्लेट के फॉर्म में ही मैंने लिखा था बेटा उसको, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैंने लिखा कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस यहां पर डी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई। बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवर्ड्स काम करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वी के बराबर। तो बेटा यहां पे मुझे वी चाहिए, तो वी कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू E इंटू डी, E का D से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ध्यान करिए, जब हमने गॉस थ्योरम किया तो गॉस थ्योरम की हमने जो लार्ज शीट थी उसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डिटरमाइन की, ठीक है। तो जो दो प्लेट अगर मैंने रख दी थी दो प्लेटों के बीच में, यानी एक प्लेट की जो फील्ड थी, गौर करेंगे जैसे ये प्लेट होगी तो इसकी जो फील्ड थी यहां पर इधर या इधर, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा यहां पर क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, यानी चार्ज अपॉन, यानी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया ए, सिग्मा क्या है चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नेगेटिव में थी, यानी पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की हमेशा पॉजिटिव से दूर। बेटा जो नेगेटिव की थी, नेगेटिव की भी इतनी ही वैल्यू थी, अगर दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या था नेगेटिव का, नेगेटिव का फील्ड का डायरेक्शन क्या था टुवर्ड्स द नेगेटिव। अगर मैं यहां पर बच्चों जैसे दो प्लेट के सिस्टम की बात फिर हटा देंगे यहां से, भाई दो सिस्टम दो प्लेट है मेरे पास, अब एक पॉइंट है, यही मैंने क्वेश्चन लिया था गॉस थ्योरम में कि भाई एक पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स, तो पहली पॉजिटिव चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और दूसरी की E2 एक ही डायरेक्शन में होंगी,
पॉजिटिव की अवे होती है, नेगेटिव की टूवर्ड्स होती है, तो नेट फील्ड के लिए मैं ई वन प्लस ई टू कर दूंगा। दोनों की ही वैल्यू अगर ये प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा यहां पर है, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो नेट फील्ड हो जाएगी मेरे पास, नेट फील्ड जो हो जाएगी ई किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यानी जो नेट फील्ड होगी ई वन प्लस ई टू इट इज सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगी ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू मैं यहां लिखता हूं कि भाई ये हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मींस चार्ज ओवर एरिया, चार्ज ऑन द प्लेट क्यू एंड एरिया ए, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी, ये रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब बच्चों यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास ये आ गया, ठीक है, कैपेसिटेंस पे पहुंच जाते हैं डायरेक्ट कि भाई कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस q अपॉन v, ठीक है, तो बस q c इज इक्वल टू या यही लिख देते हैं q अपॉन v। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू रखो, q अपॉन v की वैल्यू रखो, q अब देखो q d a एप्सिलॉन नॉट ऊपर ट्रांसफर हो गया a एप्सिलॉन नॉट, q एंड q कैंसिल आउट, व्हाट वी हैव एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, तो बेटा यहां पे आपने देखा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज फिल्ड विद एयर, मैं इसको लिख सकता हूं सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अभी कौन है, एयर या वैक्यूम। इफ इट इज फिल्ड विद, इफ दिस स्पेस इज फिल्ड कंप्लीटली विद अ डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कॉन्स्टेंट के, then capacitance becomes Cm epsilon A upon D. In place of epsilon, you can write epsilon naught K A over D. तो बेटा जब यहां पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक डायलेक्ट्रिक मीडियम से भर दिया जाएगा यहां पर, तो उसका कैपेसिटेंस Cm ये हो जाएगा। तो इतनी बात हमें तैयार रखनी है, ठीक है। तो ये जनरली सवाल यहां पर आ जाता है, एक सवाल बहुत पूछते हैं, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, एक तो डेरिवेशन तो है ही हमारा टू मार्क का, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे बनाएगा द कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर इज टू माइक्रो फेराड एंड its value becomes 10 microfarad with a dielectric medium filled between its plates, find the dielectric constant, dielectric constant of the medium. बेटा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर इज 2 माइक्रोफेराड एंड इट्स वैल्यू बिकम्स 10 माइक्रोफेराड with a dielectric medium filled between its plates, find the dielectric constant of the medium. तो direct formula लगाइए बेटा, जैसे यही formula बना लीजिए, Cm over C naught, Cm upon C naught. तो बेटा epsilon naught A upon D, epsilon naught A upon D cancel out. मैंने लिखा भी था उधर, यानी Cm is equal to K into C naught, और K is equal to Cm upon C naught. Capacitance with dielectric medium is 10 and with air it is 2, it is 5. It has no unit, so 5 likh diya jayega, dielectric constant becomes 5.
तो चलिए बेटा आज इतना ही रखते हैं।